घंटे की रफ्तार से दौड़ पा रहे, क्या अलग ही फीलिंग है यार। वाह, जर्नी सक्सेसफुल हो गई। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घर पे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। आज की जर्नी हमारी है काफ़ी स्पेशल, अब तक जितने भी मैंने ब्लॉग्स डाले हैं उन सब में सबसे स्पेशल जर्नी आज की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज हम ऑन बोर्ड होने वाले हैं 12050 हज़रत निज़ामुद्दीन से झांसी तक हम जाएंगे आज एंड टू एंड इंडिया फास्टेस्ट गतिमान एक्सप्रेस में। जिसकी बात की जाए तो ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये लोगों का एक इमोशन है और भारतीय रेल का गौरव है और आन बान शान है, जिसको कि ऑपरेट किया जाता है 160 किलोमीटर पर आवर एट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। और एवरेज स्पीड की बात की जाती है, ये कम से कम 91 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकाल देती है। चलिए गतिमान एक्सप्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस ट्रेन की सर्विस आज से 5 साल पहले की गई थी 2016 में, और आज इस ट्रेन के हो चुके हैं 5 साल, अभी इस ट्रेन को चलते हुए हो चुके हैं 5 साल। तो 5 साल के अंदर 3 साल पहले इसे एक्सटेंड किया गया था अप टू ग्वालियर, देन इसको एक महीने बाद कर दिया गया था अप टू झांसी। तो अब ये ट्रेन आपको हजरत निज़ामुद्दीन से झांसी तक ले जाती है। और पहले गतिमान एक्सप्रेस जब फर्स्ट ट्रेन इसका आया था तो इसे लॉन्च किया गया था निज़ामुद्दीन से आगरा के बीच में सारे टूरिस्ट के लिए। और उस टाइम इसका रखा गया था पहुँचने का टाइम, हजरत निज़ामुद्दीन से ये ट्रेन खुलती थी और 100 मिनट के अंदर आगरा पहुँचाती थी। लोगों के बढ़ते हुए रुझाव को देखते हुए गतिमान एक्सप्रेस की तरफ इस ट्रेन का एक्सटेंड किया गया ग्वालियर तक, देन अभी ये ट्रेन जाती है झांसी तक। तो आज हम इसमें जर्नी करने वाले हैं झांसी तक गतिमान एक्सप्रेस में। तो बने रहिए आप ब्लॉग में, उम्मीद है आपको मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्किप्स निकालेंगे 160 किलोमीटर पर आवर पे हाई स्पीड, और यार इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, सोच सकते हो आप क्या बैठ के फील आएगी यार। 160 में आपको दिखाऊंगा मैं, अंदर का एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसा है, इंटीरियर वगैरह सब सब। बने रहिए, अभी टाइम हो रहा है 6:38 और डिपार्चर टाइम है हमारा यहाँ से 8:10 4 नंबर प्लेटफॉर्म से, और हम 4 नंबर पे ही हैं ऑलरेडी। इंतजार करते हैं, कुछ देर बाद गाड़ी शंट की जाएगी, फिर आपको ब्लॉग दिखाएंगे डिजिटली। स्टे कनेक्टेड और लाइक कर दीजिए, पहले ही मैं लिख के दे रहा हूँ कोई ब्लॉग पसंद आने वाला। और पहली बार मैं इस रूट पे आगरा से आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब झांसी तक हम आज जाएंगे। और आपको बीच में चंबल रिवर घाट सेक्शन, जितनी सुंदर सुंदर वादियाँ और पहाड़ियाँ हैं वहाँ की सब कैप्चर करेंगे। सब बने रहिएगा, मजा आएगा ब्लॉग में पूरा। तो दोस्तों देख सकते हैं रेक मॉडिफिकेशन किया जा चुका है गतिमान के लिए, और आज इसको लीड कर रहा है हमारा गाजियाबाद का WAP 5301309977। तो देखेंगे 160 किलोमीटर हमें मिलता है या नहीं, तब तक के लिए बने रहिए। और जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, कोविड के वजह से ट्रेनों में कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स जो हमें मिलते थे वो बंद हो चुके हैं। तो गतिमान एक्सप्रेस में भी कुछ नहीं मिलेगा, जो भी आपको खाना पीना है वो आप बाय करके खा सकते हैं। तो फिलहाल अभी
इनसे काम चलाया जा रहा है, बाकी अगर अंदर कुछ आता है बिकने रेडी टू इट तो लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये लिया है। तो जितना हो सके आप अपना घर से ही फूड कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे रेलवे वाले जो बेचते हैं रेडी टू इट वाला, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आज का हमारे कोच है ये पीछे C5, तो जल्दी कोच के अंदर चलते हैं और अब जर्नी स्टार्ट हो गई, कुछ आधे घंटे के अंदर जर्नी स्टार्ट होगी, तो आज चलेंगे झांसी तक। चलिए चलते हैं अंदर सीधा। तो दोस्तों ये वाली सीट है अपनी विंडो साइड, लास्ट में है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और अब जाने शुरू होने वाले कुछ आधे घंटे के बाद, तो देखते हैं यहाँ से सारे स्किप्स निकालेंगे अच्छे से। तो विंडो सीट है, बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक, फिर ऑलमोस्ट कोच में और फैंसी कम है, आगे देखते हैं आगरा तक शहर भर जाए। और इस गतिमान का फेयर आपको पड़ेगा सिंपल, मतलब AC चेयर कार का निज़ामुद्दीन से लेकर झांसी तक का 890 रुपये डायनमिक लगाने के बाद, या फिर कई बार हो सकता है डायनमिक फेयर लग के 950 तक पहुँच जाता है, लेकिन मुझे बड़ा 890 का। और अंदर आते हैं, हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूज़पेपर दिया जा चुका है, इंजॉय करते हैं जर्नी को अब यहाँ। और कोच के अंदर रहने पे कुछ आपको ऐसा ये टियर मिलता है, टाइप का ऊपर हो गया आपका लगेज स्पेस जो कि काफ़ी अच्छा है, और ऊपर आपको रीडिंग लैंप दी हुई है जो कि आप पढ़ते समय यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और पीछे ये डिजिटल मीटर दिया हुआ है, इसमें नेक्स्ट स्टॉप, गाड़ी करंट स्पीड और GPS वगैरह से कनेक्ट है, सब बताएगा इसमें आपको। और पीछे वहाँ पे पेंटिंग्स लगाई हुई है, और सामने ये टेबल हो गया, इस पर आप खाना खा सकते हैं रख के, या फिर अपना लैपटॉप वगैरह के कुछ काम कर सकते हैं। इसको कर देते हैं बंद। और नीचे फुटरेस्ट देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, और 3x2 का कॉम्बिनेशन है ये। और ये यहाँ पर लीवर दिया हुआ है, इससे आप अपने सीट्स को पीछे और आगे एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे ऐसे। सब सुन सकते हैं दोस्तों, एक लंबा श्रील और यहाँ से हमारा डिपार्चर होने ही वाला है हजरत निज़ामुद्दीन से, बिल्कुल ऑन टाइम 8:10 पे। और आगे आप सीटें निकालेंगे फरीदाबाद स्किप 130-140 पे। तो डिपार्चर हमारा हो चुका है दोस्तों, निज़ामुद्दीन से हम निकल चुके हैं अपने ऑन टाइम पे बिल्कुल। तो चलिए अभी वॉशरूम देख लेते हैं कैसा है। वाओ, और अंदर आते हैं वॉशरूम में घुसते हैं, मतलब इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है, इतना साफ है, क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मिरर देख सकते हैं आप सामने, ऊपर लाइट, नीचे वॉश बेसिन, पानी अवेलेबल है। ये हो गया आपका लिक्विड हैंड वॉश, ये एयर विक, ये नीचे फ्लश का बटन, और ये वार्मिंग एरिया काफ़ी साफ है, बिल्कुल चमचमाता हुआ टॉयलेट है। इसको 10/10 रेटिंग देना चाहूँगा, पहली ट्रेन जर्नी ऐसी मेरी जिसमें मैंने किसी टॉयलेट को 10/10 दिए हैं। और ये अभी हम ओखला को पार कर रहे हैं, करंट स्पीड इज 70-80 अप हो रही है, देखते हैं दूर का बाद कितने पर निकलता है उसका। फरीदाबाद से तो 160 चढ़ना स्टार्ट ही हो जाता है, अभी स्पीड देख सकते हैं 85, 86, 88, 90 अप हो रही है। Moments later.
moments later. Moments later. और अभी तक की बात की जाए दोस्तों तो अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है ट्रेन ने, लेकिन स्पीड देख सकते हैं 160 नहीं हो पाई, अप्रॉक्स 155 से 158 हुई है मैक्सिमम, बट स्टिल इट नॉट टच 160। अभी और 12-14 किलोमीटर का टाइम है, देखते हैं शायद हो जाए, तो फिर वही करेंट स्पीड 155, तो 160 हो जाए यार। तो फाइनली वी आर नाउ रनिंग एट द मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर, देख सकते हैं आप सुबह रनिंग नदी जाके फाइनली हम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पा रहे हैं। क्या अलग ही फीलिंग है यार, वाह जल्दी सक्सेसफुल हो गई। मोमेंट्स लेटर तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम इस ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट आगरा कैंट, जिसका ट्रेन कोड है AG3 और यहां पे ऑफिशियल टाइम इसकी आने की 9:58, तो बिल्कुल राइट टाइम आया हूं अभी, 9:56 हो रहे हैं, बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है हम अभी। आगरा वो कैंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पे भी आर्मी का हमारे जो आर्मी जवान होते हैं उनका बेस होता है वहां पे कैंटोनमेंट लगाते हैं छावनी, तो इसे आगरा कैंट कहते हैं। इसलिए अब यहां से निकलने का समय हो चुका है, मॉर्निंग हो चुकी है, तो चलिए निकलते हैं आगरा कैंट से सीधा डिपार्चर का सुनते हैं आपको। देख सकते हैं अभी हम निकल चुके हैं आगरा कैंट से, देखते हैं अब यहाँ से देखते हैं अगली अनाउंसमेंट कितनी खतरनाक है ना, मुझे भी क्या बताऊँ। A few moments later.
दोस्तों अभी हमने चंबल नदी पार की है, उसका शॉट निकाला है मैंने, काफ़ी अच्छा कर्व शॉट है, कर्व्स काफ़ी अच्छे आ गए और पीछे नदी के, तो एक बार वो शॉट देख के बताइए कैसे लगे आपको। अभी बहुत सारे डाउन कर्व्स हैं, सारे निकाल रहे हैं। देख सकते हैं अभी आ चुके हैं हम इस ट्रेन के फाइनल डेस्टिनेशन झांसी पे, जिसका स्टेशन कोड है JHS। और ये है महाराज सर, इनको आप जानते होंगे, इनका भी चैनल है, पहले भी इनसे हम मिल चुके हैं, ब्लॉग बनाया था इनके साथ स्पेशल, तो आज सर के साथ जर्नी की थी, जर्नी एक्सपीरियंस A1, मज़ा आया बहुत ज़्यादा सर के साथ जर्नी करके। तो अभी अराइवल दिखाते हैं आपको झांसी का, फिर नीचे उतर के और थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। सो गाइस, फाइनल डेस्टिनेशन झांसी जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है JHS। ये लगी अपने पीछे हमारी गतिमान एक्सप्रेस, तो इसकी जर्नी एक्सपीरियंस भी आज इसका कर लिए, कैसी ट्रेन है कैसी नहीं है, और अंदर चल के बात कर लेते हैं, वहाँ से और आया जा रहा है। और बात की जाए पंक्चुअलिटी की, तो पंक्चुअलिटी में ट्रेन A1 है, बिल्कुल ऑन टाइम हम यहाँ पे पहुँचे हैं झांसी, बिल्कुल डिले नहीं पहुँचे हैं हम, और स्पीड
मस्त है। बाकी बीच में घाट सेक्शन जो पड़ता है वो गजब का है, देखने लायक है बिल्कुल। जब भी आप इस रोड पे आए तो एक बार जरूर घाट सेक्शन को देखिए, जो ग्वालियर से झांसी के बीच में पड़ता है। कभी लेफ्ट कभी राइट, इतने सारे कर्व्स पड़ते हैं ना, वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चले बने रहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर ना भूलें, ताकि और हमारी आने वाली ऐसी रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रही है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।